राजस्थान कोटा के मंडाना कस्बे में लॉकडाउन 4.0 पर सभी राजनेता व्यापारी जनता ने क्या कहा, जनता पर इसका क्या सीधा असर पड़ेगा, देखिए हमारे संवाददाता राजेंद्र मेघवाल की ये रिपोर्ट। लॉकडाउन 4 में क्या क्या नीति अपनानी चाहिए? सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और करीब मास्क को यूज करे और कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर खड़े रहें और सैनिटाइजर से अच्छे से हाथ धो कर। मोनू सुमन कहाँ से? मंडाना से। लॉकडाउन 4 से गरीब और मध्यम वर्ग क्या फर्क पड़ेगा? तो गरीब वर्ग के लिए तो क्या है कि ज्यादा से ज्यादा अपने जैसे जिला या राज्य में सबको रोजगार दिया जाए, जिनसे क्या है कि जो उनका निजी जो पैसा खत्म हो गया है जो भी है तो उनसे थोड़ा रिलीफ राहत मिले उनको और ज्यादा से ज्यादा ही उनको काम मिले, जैसे फैक्ट्रियों में वगैरह में जैसे पंचायत राज इनमें अधीक्षक जी उनको काम दिया जाए और उनकी सहायता से की जाए। आपका नाम? प्रमोद कुमार। कहाँ से? मंडाना से। लॉकडाउन 4 का कैसा रंग रूप होगा? लॉकडाउन 4 का रंग रूप निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर होना चाहिए और उसमें मैं ऐसा चाहता हूँ कि हमारे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए जो छूट दी गई है वो अभी बहुत कम है और इसमें अपनी आजीविका नहीं चला सकते। दूसरी बात, उनके लिए रोजगार के अवसर दिए जाए, जैसे वो काम करने कहाँ जाएंगे, रोजाना काम कहाँ से, आजीविका कहाँ से कमाएंगे, इन पर ध्यान। किसानों के लिए भी उनको पूरी मतलब जो ऋण में ब्याज की छूट दी गई वो कम है, उसको थोड़ा डेवलपमेंट करना चाहिए क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसी प्रकार से हम चाहते हैं व्यापारियों को भी छूट मिले ताकि वो अपना व्यापार कर सके, धंधा कर सके, एक मार्केट का रोटेशन बन सके जिससे हमारी GDP बढ़ती रहे। तीसरी बात क्या है कि हमारे जो स्वास्थ्य कर्मियों ने, पुलिस कर्मियों ने जो काम किए हैं बहुत ही बढ़िया किए हैं, लेकिन नैतिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारियां और बढ़ाई जाए। आपका नाम? मोहनलाल यादव, मास्टर कोच JNLI। लॉकडाउन 4 कैसा होगा? लॉकडाउन 4 सरकार ने लॉकडाउन 3 में जो सुविधा दी है वो 4 में उनको कम किया जाए और जिसके साथ ही लॉकडाउन में जो लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही है, लोग सरकार से निवेदन है कि उनकी सुविधा दी जाए, गरीबों को रोजगार दें और सभी उद्योगों को चालू करें जो मजदूरी के लिए सभी लोगों को रोजगार मिले। आपका नाम? गुणेश राठौर। गरीब और मध्यम वर्ग पे क्या असर पड़ेगा? गरीब और मध्यम वर्ग बेरोजगार हो चुका है, उनके भूखे मरने की नौबत आ चुकी है, उनके लिए रोजगार के बराबर अवसर खोले जाएं, सरकार उनकी हेल्प करे और पब्लिक को भी ये चाहिए कि सोशल डिस्टेंस की पालना करके मास्क लगाकर घूमें और फालतू न घूमें और चौराहे पर सार्वजनिक जगहों पर भीड़ न लगाएं। आपका नाम? ताहिर हुसैन। कहाँ से? मंडाना से। लॉकडाउन 4 कैसा होगा? मैं कभी भूपेंद्र हिंदुस्तानी, जिस वैश्विक महामारी को हिंदुस्तान में देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने हमारे देश में जो लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 और लॉकडाउन 3 किया, जिस शक्ति से लॉकडाउन की पालना की उसको देखते हुए लॉकडाउन 4 में जो लीड दी जा रही है कि ट्रेनें चल रही है, बसें चल रही है, कुछ दुकानों को छूट दी जा रही है, कई को कुछ तो ऐसी भी कमियां रह गई कि शराबखाने खुलवा दिए, शराबी घूमेंगे, इससे माहौल बिगड़ेगा। में कैसा जनता पर असर पड़ेगा? लॉकडाउन 4 में जनता पे बहुत असर पड़ेगा, बहुत दिनों के बैठे बैठे घर। इनको कहाँ पर रोजगार मिलना चाहिए? एरे में रोजगार मिलना चाहिए, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके जो धंधे हैं बंद पड़े हैं वो चालू होना चाहिए और अपने एरे में रोजगार मिले। अपने एरे में जैसे कोई भी काम बंद पड़े हैं, छोटे मोटे प्रतिष्ठान तो चालू जाना चाहिए, सतर्कता रखना चाहिए, मास्क बना के बांध के रखें, जैसे 1 मीटर की डिस्टेंस बना के रखें, भीड़ भरे इलाके में नहीं जाएं। किन वस्तुओं को अपनाना चाहिए? समय अपना हाथ मुंह के लगाएं। किन वस्तुओं को अपनाना चाहिए? अपने देश की जो बनी हुआ वही अपनाना चाहिए, अपने देश की चीज। आपका नाम? मेरा नाम रामदयाल गुजर, सरपंच मंडाना। लॉकडाउन 4 कैसा होगा? जहाँ तक सब लोगों का, बुद्धिजीवियों का और पूरे विश्व का, देशों का और WHO का भी ये मानना है कि ये कोरोना जो संक्रमण है वो जाने वाला नहीं है, हमें इसके साथ जीना पड़ेगा। उसी के तहत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और
मुख्यमंत्री जी सब यही चाहेंगे कि हमें इसके साथ लड़ना है, इसको इसके साथ चलना है, इसके साथ ही व्यापार करना है और इसके साथ ही रहने की आदत डालनी पड़ेगी। इसमें क्या क्या नीतियाँ हो सकती हैं? इसमें यही है कि रोजगार मिले लोगों को, लोग भूखे नहीं मरें, देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छी हो, काम भी चले, तो इसके साथ जीना पड़ेगा और उसको जो नियम है अपने आप को समझ। जनता और गरीब पर और मध्यम वर्ग पर क्या असर पड़ेगा? गरीब मध्यम वर्ग के लोगों के ऊपर बहुत लॉकडाउन के चक्कर में बहुत असर पड़ रहा है। गरीब व्यक्ति तत्व महीने दो महीने से काफ़ी बैठे हुए हैं, जिनको खाने के लिए रोजी रोटी का सदुपयोग बराबर नहीं हो पा रहा। उनको रोजगार किस क्षेत्र में मिलना चाहिए? उनको रोजगार अपने ही क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में मिलना चाहिए। उनको क्या किस तरह की वस्तुएं अपनानी चाहिए? स्वदेशी वस्तुएं उन्हें अपनानी चाहिए, देश विदेश की वस्तुएं से कुछ नहीं हो पाएगा। आपका नाम? निकेश कुमार मेघवाल, मंडाना। ठीक। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।